सद्भावना हो, कल्याण हो, कल्याण।
परेशानियां बहुत हैं, फिर भी ना रुकते हैं ना झुकते हैं, पढ़ते हैं क्योंकि हम पर माँ सरस्वती की मेहरबानी बहुत है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत के प्रस्तुत करने के लिए मेरे बच्चे डांस करने की वीडियो गाड़ियाँ बजाते रहे आप लोग निकालिए और मोबाइल का यूज कम करिए, यही मैं आपसे कहना चाहूंगी। ये आज का स्पेशल मैसेज मेरे लिए है, मेरा आपके लिए है, इसलिए इसके लिए, इस मैसेज के लिए और इसको फॉलो करने के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आज की संतानें माँ बाप को बहुत बहुत समझकर छोड़ जाती है और वो माँ बाप अपने बच्चों के इंतजार में किस प्रकार तड़पते हैं और अपनी भावनाओं को समेट कर ऊपर वाले के पास चले जाते हैं। इस तरह का एक दृश्य देखते हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप सभी के लिए है, बहुत अच्छे से लोगों ने तैयार किया है, इसलिए आपकी अटेंशन की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो प्लीज कीप साइलेंट। बेटा तुम भूल जाता है, 15 दिन बीत गए हैं। आता हूँ वहाँ, बस थोड़ी सी चीजें सिलेक्ट कर लो, फिर आता हूँ। लेकिन मेरी बात मानिए, ये उम्मीद बांधने का कोई फायदा नहीं, जो हो रहा है उसे बर्दाश्त कर लीजिए, यही हमारा नसीब है, इसी बात का बुरा होगा। देख लीजिए, मेरा बेटा मुझे लेने आएगा और फिर मैं आपको बताऊंगी। मुझे तो बस इस बात की टेंशन है कि मेरे बिना रह कैसे पा रहा होगा। दी, मैं भी चाहता हूँ कि आपका बेटा आपको लेने आए। मैं जानता हूँ इस वृद्धाश्रम में जो एक बार आ गए तो इतनी आसानी से नहीं जाते। Oh, my God.
दो बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्ची पिछले लास्ट ईयर इंटर कर निकल चुकी है, इस वक्त बेस्टी का विजय और दूसरी इस वक्त टेंथ में है। तो यहाँ पर बच्चों को डालने के बाद कभी मैं आई नहीं ये पूछने कि मेरा बच्चा ये जिम किया, वो जिम किया, यहाँ कैसे चला गया, वहाँ कैसे चला गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है क्योंकि यहाँ बेटियाँ शिक्षित नहीं सुरक्षित भी रहती हैं। बेटियाँ सिर्फ शिक्षित जहाँ नहीं होती सुरक्षित भी रहती है। सभी बच्चे यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं और किसी भी पेरेंट्स को अगर एडमिशन यहाँ कराना है तो वो आप बंद करके एडमिशन करा सकता है, क्योंकि मैं खुद साक्षात गवाह हूँ। सहमत की और तैयार हुई तो आप सब पर माता वीरावादनी की असीम कृपा निश्चित रूप से इस बार है और अलग टाइप से। आप देखिए कार्यक्रम के बीच बीच में कई बार बूंदाबांदी हुई, आपने देखा होगा कई बार बूंदाबांदी हुई, ये उनका आशीर्वाद ही है और अलग टाइप से। आप देखिए कार्यक्रम के बीच बीच में कई बार बूंदाबांदी हुई, आपने देखा होगा कई बार बूंदाबांदी हुई, ये उनका आशीर्वाद ही है जो बराबर आपको मिल रहा है। और किस आस तब तक पुष्प तैयार रखें, जब तक एक कतार पुष्प तैयार रखें, पुष्प तैयार रखें, सभी लोग अपने हाथों में थोड़ा थोड़ा पुष्प ले लें, इस पर आशीर्वाद उसमें सम्मिलित है, साथ में आप अपना भी आशीर्वाद मिला दें और बच्चों पर पुष्प वर्षा करें, आप छात्राओं पर पुष्प वर्षा करें। आसमान से ईश्वर को आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत तक बहुत बहुत बारिश हो रही है कुछ नीचे, तो आप भी अपनी तरफ से आशीर्वाद प्रदान करें। तो मैं आ गई हूँ घर और अब मैं, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मैं सुबह से कुछ व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत बिजी थी, तो मैंने जो भी क्लिप्स है वो ऐड कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा। और मेरा दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी। और अभी मैं स्कूल से आ गई और मैं जा रही हूँ चेंज वेंज करने, बहुत थकान हो गई है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में चेंज करके।